सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी, हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक, 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, ऐसे ही गुड़ लगतनी समाचार बटुए धन सोई से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। इहे उ लोग ह जवन 90 के दशक में लाठी में तेल पियावे के काम करत रहे। जी हाँ, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बोले हमला खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अर्थव्यवस्था के मजबूत कैले बानी, ये बात चिराग पासवान कहनी। छठवा चरण के चुनाव में तय हो गई बा कि मोदी तीसरका बार प्रधानमंत्री बनता रहे। ये बात बुद्ध के +2 गांधी स्मारक उच्च विद्यालय के खेल मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान बक्सर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा के संबोधन के दौरान कहनी। यह दौरान विपक्षी पे निशाना साधत कहनी कि विपक्ष भ्रम फैला के वोट लेवल चाहता, जवना से सावधान रहे के बटे। एनडीए के तमाम घटक दल के नीति स्पष्ट बा, देश में आरक्षण होखे संविधान होखे कौनो खतरा नहीं खे, ये लोग डरवावे के प्रयास करता लेकिन बिहारी डराए वाला नहीं खे, ना ही भ्रमित होखे वाला बा। यहाँ के कहनी कि 90 के दशक में इहे लोग लाठी में तेल पियावे के काम करत रहे, उहे लोग ह जवन जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन हथियावे के काम करत रहे। ये लोग आज लोकतंत्र के संरक्षक बनल चाहता। INDI के सरकार बनला पर विरासत टैक्स लगा के आम लोग के जमीन जायदाद गहना आदि संपत्ति के लोग इंडी गठबंधन वाला जब्त कर ली ही। यहाँ के कहनी कि मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनी तो देश के हर गांव विकसित होई। जब तक चिराग पासवान बाणे ना हमार संविधान के खतरा बा आ ना ही केहू आरक्षण छीन सकता। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना देश के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज से पहले हमने से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन से पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये प्रधानमंत्री जी की वजह से। साथियों, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। बिहार जैसे राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है कि देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम करें। भारत जब विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार विकसित होगा, हम लोग की बक्सर लोकसभा विकसित होगी, हर प्रखंड हर पंचायत हर गांव को विकसित करने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम करें, जिसकी नींव में इन्होंने कार्य करने शुरू की। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के लिए शौचालय बनवा रहा है, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री चूल्हा चौका जोड़ रही महिला के स्वास्थ्य की चिंता कर उनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम करता है। आज से पहले हम लोग के घर में कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आज जिन्होंने गरीबों के यहाँ बीमारी की चिंता की, आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने देश की ने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी की हो। साथियों, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी, हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक, 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, ऐसे ही रामलला टेंट के नीचे 500 साल तक धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात तूफान बारिश में टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने रामलला के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आस्था को सम्मान दिया, महिलाओं की चिंता की, किसान मजदूरों की चिंता की, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वही दूसरी तरफ विपक्षी दलों का भी गठबंधन है, कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल के नेता कौन है भैया? ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया था, और आज एक विधिवत तरीके से हम लोगों की जमीन लूटने का कानून ये महागठबंधन के लोग बना रहे। विरासत पर कर इनहेरिटेंस टैक्स का कानून लाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता रखते हैं। अगर ये कानून आ गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की जो भी जमीन है, या चाची आप लोगों का जितना गहना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद ये लोग अपने खाते में ले जाएगा, अपनी संपत्ति में ले जाएगा। इस सोच के साथ कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और ये सोच हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ है। क्या झूठ बोलते हैं? बोलेंगे संविधान खतरे में है, धर्म खतरे में है, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोकतंत्र की जिन लोगों ने 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को करना। क्या आप बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है? हाथ उठाकर बताइए किस किस को मिलता है अनाज? मिल रहा है ना चाची? मिलता है कि नहीं? मिल रहा है ना? सब मिलना बंद हो जाएगा, जितना बंद हो जाएगा अगर ये कांग्रेस राजद वाला जीता। ना अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का मुफ्त अनाज होगा, और ना ही आप लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। सब योजना को ये लोग बंद करना चाहता है, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं कि कोई गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। जात पात धर्म मजहब में सिर बांटने की राजनीति करके भाई को भाई से अलग करने की सोच को साधने का काम ये महागठबंधन के लोग करते हैं, और आज इसीलिए हम लोग आपके बीच है। और उसके बाद 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को मतदान है ना भैया? 1 तारीख को है ना मतदान? 1 तारीख को मतदान है। ऐसे में अब आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों को इस मतदान में, और ये वादा मुझे अपने तमाम युवा साथियों से चाहिए, 2 वादा चाहिए। कीजिएगा वादा, पक्का कीजिएगा वादा अपने तमाम युवा साथियों से। पहला वादा कि जहां जहां अब चुनाव का हर घटक दल नए नए आंकड़ों के साथ आ रहे हैं, जैसे उनका नेता तय नहीं है वैसे उनके आंकड़े भी तय नहीं है, ऐसे में 2024 में 2019 से बड़ी जीत हमारे एनडीए गठबंधन की होगी। बिहार में 40 की 40 और देश भर में 400। लालू यादव ने कहा कि मोदी जी अब तार नहीं है, 4 दिन को एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। ये अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, इतना 7-8 दिन की बात है, 4 जून समीप है, हाथ कंगन को आरती का पता चल जाएगा। यहाँ सिर्फ एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को तय करते हुए हम लोग 400+ के साथ सरकार। राहुल गांधी के उस बयान